वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं आकांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉस आरएक्स की ऑल अबाउट स्नेल किट के बारे में, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। इस एक किट में आपको चार प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले इनका स्नेल म्यूसिन वाला जेल क्लेंजर, देन इसमें एसेंस है, इसमें आपको क्रीम मिल रही है, उसके साथ साथ इसमें आपको अंडर आई क्रीम भी मिल रही है। तो ये एक किट है जो कि आपके एक टाइम के एटलीस्ट कंप्लीट स्किन केयर रूटीन के लिए इनफ होगी। मैंने सबसे पहले वाली किट ली, उसे 4 वीक यूज किया और 4 वीक में मैंने देखा मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो खत्म होने लगे हैं, तो मैंने इनका बड़ा वाला वर्जन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली इस किट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इस किट का के साथ मेरा आइडिया ये था कि मैं इसे 4 वीक यूज करूंगी और आपको 4 वीक्स के लाइव अपडेट्स दूंगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन पे ये चारों प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा आइडिया ये है कि सबसे पहले मैं 1 by 1 प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि उसे यूज़ कैसे करना है, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह आपको दिखाऊंगी, और सबसे लास्ट में मैं आपको 1 by 1 वीकली अपडेट दूंगी। तो ये थोड़ी सी हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, तो बी पेशेंट, क्योंकि इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं तो चारों के बारे में बात करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो किट है, इन चारों ही प्रोडक्ट में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि आप सभी को पता है, जो कि है स्नेल म्यूसिन। स्नेल म्यूसिन कोरियन स्किन केयर जो है इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। स्नेल म्यूसिन में आपको कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें होता है, इसके साथ साथ इसमें हिलोरानिक एसिड भी पाया जाता है। इसी वजह से स्नेल म्यूसिन आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन रीजनरेशन में आपकी हेल्प करता है, इसके साथ साथ अगर आपको टेक्सचर्ड स्किन की प्रॉब्लम है उसे स्मूथ डाउन करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं एक हेल्दी ग्लो रेडियंस को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है, और अगर आपको थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उससे भी डील करने में ये आपकी हेल्प करता है। और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जो मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको दिखाने की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जेल क्लेंजर के बारे में, जो कि आपको मेरे पास जो है वो छोटी वाली ट्यूब है, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है। जेल क्लेंजर है, नॉर्मल आपका जैसा क्लेंजर होता है उसी की तरह काफ़ी अच्छे से ये लैदर अप हो जाता है, लेकिन एक चीज़ इसके बारे में मुझे स्पेशल लगी कि ये आपकी स्किन को जब आप इसे फेस पे लगाने के बाद फेस वॉश करते हैं बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, डीपली आपकी स्किन को क्लीन कर सकता है, तो ये मुझे इसके बारे में अच्छी बात लगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मिल रही है, और यहाँ पे आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें आपको कई सारे तरह के जेंटल सर्फेक्टेंट मिल रहे हैं जो कि अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करते हैं बिना उसे ड्राई बनाए। इसके साथ साथ इसमें स्नेल म्यूसिन है, आर्जिनाइन है जो कि एक अमीनो एसिड होता है, और इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी करेंगे और मॉइस्चराइज भी रखेंगे। तो एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है लेकिन एक सोपी लेयर आपके चेहरे पे नहीं छोड़ता है। तो अब देख लेते हैं इसे आपको कैसे यूज़ करना। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे आपको अपनी day 1 की बैर स्किन दिखा रही हूँ बिना किसी फिल्टर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बम्प्स और एक दो एक्ने के मार्क्स वगैरह आपको अपनी मेरी स्किन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं जब हम वीक बाई वीक अपडेट्स की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये मेरी बैर स्किन है, और इस वीडियो का एम ये है कि मैं 1 महीने तक या फिर जितने भी दिन तक ये किट लास्ट करती है स्नेल म्यूसिन वाली, ये मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस पे डेली बेसिस पे रात में। मेरा यही स्किन केयर रूटीन होगा जो हम आगे देखेंगे, और मैं आपको लाइव अपडेट्स दूंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, बशर्ते ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे मुझे कोई ब्रेकआउट की प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। मेरे फेस पे अभी सनस्क्रीन है, और जो मैंने मॉर्निंग में स्किन केयर रूटीन फॉलो किया था वो पूरा का पूरा है, तो मैं इस फेस वॉश से देखती हूँ कि वो अच्छे से निकल पाता है या नहीं। इस ट्यूब में आपको 20 ml क्वांटिटी मिलती है, जैसे कि नाम में मेंशन है जेल क्लेंजर, या आपको जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलता है, लेकिन क्योंकि इसमें स्नेल म्यूसिन भी है तो इसलिए इसमें आपको वो सिल्की सा थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है, तो इसलिए एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इसमें जो सिल्की इफेक्ट है वो बहुत कम है। ये इतनी सी क्वांटिटी ही बहुत अच्छे से लैदर अप हो जाती है, आपको इसे बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है अपने पूरे फेस को क्लीन करने के लिए, तो इसीलिए ये जो 20 ml वाली क्वांटिटी है डेली बेसिस पे यूज़ करने के बाद भी अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है। मैं हमेशा फेस वॉश करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट से एक टॉवल से अपना फेस डैप डैप करके क्लीन करती हूँ। ओके,
सो जो नेक्स्ट स्टेप है इस किट में वो है स्नेल मूसिंग वाला एसेंस, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लिसलिसी टाइप की है, लेट मी जस्ट शो यू, शायद आप देख पाएंगे। और सेम ही कंसिस्टेंसी एक्चुअली उसकी भी है, द डर्माको का जो अभी सीरम आया है ना, स्नेल म्यूशिन एंड पेप्टाइड सीरम, कैन यू सी दैट? या सो इट हैज़ आई गेस 96% स्नेल म्यूशिन। तो इसी वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी वो जेल और लिसलिसी टाइप की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए। तो सेकेंड प्रोडक्ट इस किट में जो आपको मिल रहा है वो है एडवांस स्नेल 96 म्यूसिन एसेंस, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिल रहा है। इस बॉटल में आपको 30 ml क्वांटिटी मिलती है। ये क्वांटिटी मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, इसे मैं दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैंने इसका बड़ा वाला पैक भी ले लिया है। तो ये मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद आया, ये एक प्रोडक्ट है जो कि आपको जरूर से एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई कीजिए, आप चाहें तो इसका छोटा वाला वर्जन ले सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात एक तो इसकी ये है कि आप इसे अपने किसी भी स्किन केयर रूटीन में और किसी भी स्किन केयर एक्टिव के साथ लेयर कर सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके एक हेल्दी सा रेडियंस और ग्लो आपको प्रोवाइड करने में ये जो एक प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में डालने के बाद मैंने वो चीज़ खुद से अपनी स्किन में ऑब्जर्व की है। तो अगर आपको टेक्स्चर्ड स्किन वगैरह की प्रॉब्लम है तो ये सारी की सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें आपको स्नेल म्यूसिन तो मिल ही रहा है 96% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो कि आप इसके इंग्रीडियंट इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर डाला गया है। इसके अलावा इसमें आपको बिटेन मिल रहा है, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल है, इसमें हिलोरानिक एसिड है, एलेंटोइन है, पेंथेनॉल है एंड एमिनो एसिड है। अमेजिंग सी फॉर्मुलेशन है और रिजल्ट्स भी इसके अमेजिंग है। तो क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अभी ये अच्छे से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया। इसे अब्सॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से। तो ये जो एसेंस है अभी कम्प्लीटली मेरी स्किन में अब्सॉर्ब कर गया है और मुझे लगता है 30-40 seconds लगेंगे इसे अच्छे से अपनी स्किन में अब्सॉर्ब होने के लिए। और अभी मेरी जो स्किन है वो हल्की सी डैम्पी है और अभी मैं लगाने वाली हूँ इनका एडवांस स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ओके, जेल एंड क्रीमी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। मुझे लगता है कि मेरी स्किन को ये अच्छी लगेगी, एज माय स्किन इज ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव। इसमें कोई फ्रेग्रेंस यूज नहीं की गई है। तो चलिए ओके, क्योंकि इसमें स्नेल मूसिन है तो सेम काइंड ऑफ लिसलिसी वाला इफेक्ट आप इसमें भी देख सकते हो। और स्नेल मूसिन इसमें डाला गया है 92% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इस किट में आपको जो थर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है वो है स्नेल 92 ऑल इन वन क्रीम, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है। ये क्रीम भी मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इसका भी मैंने बड़ा वाला वर्जन ले लिया है, क्योंकि ये वाली जो ट्यूब है वो खत्म हो चुकी है। ये क्रीम को मैं सिर्फ और सिर्फ रात में यूज़ करती हूँ, बट क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आई गेस 20 ग्राम क्वांटिटी मिल रही है, तो ये मेरी 4 वीक यूज़ करने से पहले ही, मतलब 4 वीक से पहले ही फिनिश हो गई। ये जो क्रीम है इसमें भी अगेन आपको जो मेन इंग्रीडियंट मिल रहा है वो है स्नेल म्यूसिन, जो कि आप इसकी इंग्रीडियंट इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर डाला गया है। इसमें आपको बीटेन मिल रहा है और इसमें बहुत सारे आपको हाइड्रेटिंग एजेंट मिल रहे हैं। इसमें आपको स्क्वेलिन मिल रहा है, वो भी 2 वर्जन में, हिलोरानिक एसिड है, एलेंटोइन है, पेंथेनॉल है, जिसे आप विटामिन B5 के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको एमिनो एसिड मिल रहे हैं, एक्सेंथम गम है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये जो एक प्रोडक्ट है इसमें आपको सिलिकॉन भी मिल रहा है, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। और पर्सनली इसे यूज़ करने के बाद एक अलग से मॉइस्चराइजेशन वाला इफेक्ट मैंने अपनी स्किन पे ऑब्जर्व किया। यहाँ पे अगेन, क्योंकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपकी स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन इमीडिएटली देती है। तो अगर आपको टेक्स्चर्ड स्किन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेटेड स्किन की प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो सकती है फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए। तो मुझे लगता है ये आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस किट में जो आपको लास्ट फोर्थ प्रोडक्ट मिल रहा है वो है स्नेल पेप्टाइड आई क्रीम, जो कि आपको इस टाइप की पैकेजिंग में मिलती है।
ये जो आई क्रीम है इसमें आपको स्नेल म्यूसिन 73.7% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। इसमें आपको इसके साथ साथ 5 टाइप्स के पेप्टाइड्स भी मिल रहे हैं और यहाँ पे आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं इसमें स्नेल म्यूसिन है, देन इसमें ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीन है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, नियासिनमाइड इसमें डाला गया है। इसके अलावा इसमें आपको कई तरह के अमीनो एसिड मिल रहे हैं, इसमें स्टीरिक एसिड है, बीटेन है और इसके साथ साथ इसमें आपको एलेंटोइन एंड स्क्वालेन भी मिल रहा है और हिलोरोनिक एसिड है और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको ड्राई पेप्टाइड्स मिल रहे हैं। तो स्पेशली ये जो अंडर आई क्रीम है ये आपकी स्किन को अच्छे से फर्म करेगी। अगर आपको फाइन लाइंस वगैरह की प्रॉब्लम है उसे ये कम करने में, फेड आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। ओबियसली डार्क सर्कल पे तो ये काम करेगी लेकिन मैंने इसका स्पेशल इफेक्ट देखा है कि अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे स्किन में तो उस पर ये इमिडिएटली काम करती है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस अंडर आई क्रीम। तो ये जो अंडर आई क्रीम है ये अगेन आपको सिमिलर काइंड ऑफ टेक्सचर में मिलती है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही इजी टू एब्जॉर्ब है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि 4 वीक में अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उसे ये फेड करने में इतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले करेगी क्योंकि किसी भी अंडर आई क्रीम को अपने इफेक्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ फाइन लाइन्स में आप इमीडिएटली इसके इफेक्ट देख पाएंगे विद इन 2 और 3 वीक्स। ये आपकी आंखों को वॉटरी नहीं बनाती, आपकी में जलती नहीं है और काफी ज्यादा इसका कंफर्टेबल फॉर्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री ये एक प्रोडक्ट है। तो अब मैं लास्ट में बात करना चाहूंगी रिजल्ट्स के, तो मैं 1 by 1 day 1 की आपको क्लिप ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। day 1 की क्लिप के बाद ये है 1 वीक यूज करने के बाद की क्लिप, आप देख पाएंगे हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया किसी टाइप का कोई फिल्ट्रेशन कुछ भी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, सेम टाइम पे सारी क्लिप्स मैंने शूट की हैं सेम लाइटिंग में सेम जगह खड़े हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आफ्टर 3 वीक्स की क्लिप और आप मेरे ओवरऑल चेहरे में इम्प्रूवमेंट देख पा रहे होंगे, जो डार्क स्पॉट्स था उसमें भी थोड़ा सा रिडक्शन है, अंडर आई एरिया में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है और ओवरऑल स्किन की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जो लास्ट वाली क्लिप है 4 वीक के बाद की, करंटली जो मेरी स्किन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने रिसेंटली कुछ सनस्क्रीन्स यूज़ की थी और मैंने बैक टू बैक कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स यूज़ कर ली जो कि मेरी स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रही। इसमें से एक सनस्क्रीन है ये डॉक्टर शेट की केसर फोजिक एसिड सनस्क्रीन, इसके साथ साथ गैबिट की 100% मिनरल सनस्क्रीन। ये 2 सनस्क्रीन स्पेशली ऐसी थी जिन्होंने मेरी स्किन पे कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इसने मेरी स्किन को थोड़ा ड्राई और बम्पी बना दिया। इसीलिए आप देख पाएंगे कि week 1, 2, 3 में इम्प्रूवमेंट है, इवन जो डार्क स्पॉट्स है ना मेरी चिन के आसपास वो भी काफ़ी हद तक फेड आउट हो गया है। बट हाँ अगेन 4 वीक की वीडियो में आपने देखा होगा एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम मेरी स्किन पे है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट ने मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम दी है, बट जो अलग से मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे उसकी वजह से मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है बहुत फॉर्मल वीडियो नहीं थी, बट हाँ आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको ये मतलब आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं एक्सेप्ट इनका जो जेल क्लेंजर है, बाकी तीनों ही प्रोडक्ट मैं रीपर्चेस करने वाली हूँ। इसके साथ साथ इसी ब्रांड का मैंने राइस वाटर वाला जो नाइट मास्क है वो भी ले लिया है, उसे मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कॉस्मेटिक्स ऐसी ब्रांड है जिसे कि मैंने मतलब अभी यूज़ करने शुरू किया प्रोडक्ट, बट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मुझे कहना चाहिए सेरावे से ज़्यादा अच्छी मुझे वाली ब्रांड लगी। सेरावे काफ़ी ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू कॉस्मेटिक्स, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए अच्छे से काम नहीं किया। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय।